अरे नहीं 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 बेटा, बहुत खा लिया, पेट भर गया। अच्छा चलो तुम बोल ही रहे हो तो थोड़ा सा ले लेता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अरे अंकल आप और बताइए, इन्वेस्टिंग स्टार्ट की नहीं? अरे कहाँ बेटा, आजकल सेविंग अकाउंट्स में 7.25% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अरे कौन सा बैंक 7.25 का इंटरेस्ट दे रहा है? अरे तुमने वो जियो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा क्या? वो लोग सेविंग अकाउंट्स में अप टू 7.25% का इंटरेस्ट देते हैं। मतलब आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि तभी वो बैंक 7.25% का रिटर्न दे पाएगा, वो भी स्लैब बेसिस पे। स्लैब बेसिस पे मतलब मैं समझा नहीं। लाइक ये चार्ट देखिए, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से कम है तो आपको 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख टू 10 लाख रुपीज है तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा, एंड 10 लाख टू 25 लाख है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपीस है तो लेस देन 1 लाख पे आपको 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा, एंड 1 लाख टू 10 लाख रुपीस पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए अगर आपको 7% से ऊपर रिटर्न चाहिए तो आपको 25 लाख से ज्यादा जमा करने होंगे, और उस पे भी आपको स्लैब बेसिस पे ही रिटर्न मिलेगा। मतलब ये बैंक वाले कस्टमर के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी खेल रहे, लेकिन तू ये सब कैसे जानता है? अरे अंकल यूट्यूब पर विकास जावरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर दिन कुछ नया सीखोगे। आप भी सब्सक्राइब।